यूपी दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों की प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। सांसद ने यह भी कहा कि जो आज उपविजेता रहे वह निराश न हो, भविष्य में विजेता बनने का सपना संजोए। खेल प्रतियोगिताओं पर सांसद राजेश वर्मा और सिधौली विधायक मनीष रावत ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे बच्चों के द्वारा, युवा कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पे जो जिला स्तरीय जो है, यहाँ पे प्रत्येक तहसील के बच्चे आए हुए हैं जो प्रतिभा कर रहे हैं, प्रतियोगिताएं चल रही हैं, कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज ब्लॉक स्तर से आए हुए सभी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित थे और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी, उसमें हम लोगों ने पुरस्कार वितरित किए हैं और हमने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया है। और उनसे मैंने ये बात कही है कि अगर आप उप विजेता हैं तो उप विजेता का भाव लेकर के घरों को नहीं जाना है, ये भाव लेकर जाना है कि अगली जब हम कोई कंपटीशन करेंगे तो विजेता बन के उभरेंगे। आज हमने उनको सबको बधाई दी है और यूपी दिवस की भी शुभकामनाएं अपने बच्चों को, खिलाड़ियों को दिया है। और इस आशा विश्वास के साथ जो बच्चे आज प्रतिभागी हैं और सफलता नहीं पाए हैं वो परिश्रम करें, आगे वो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। यूपी दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगामी 25 और 26 जनवरी को और भी कई कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी ने इंडिया को क्या बताया, वो अभी सुनिए। और साथ ही ध्यानचंद स्टेडियम में जो है बच्चों की डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता चल रही है, उसमें भी रहने का हम लोग को मौका मिला है, जहां सभी ब्लॉकों से बच्चे आए हैं जीत करके और अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।